कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे लोहा बाजार की जानकारी, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट के भाव, एशिया की लार्जेस्ट मंडी मंडी गोविंदगढ़ के भाव, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी, साथ ही कास्ट आयरन का भाव, कास्ट आयरन में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, 4CCRC कॉइल के भाव की जानकारी और रोजाना की तरीके कुछ मंडियों के TMT सरिया के भाव के साथ साथ रायपुर HB वायर, GI वायर, गोविंदगढ़ पाइप के रेट, रायपुर पाइप के रेट की जानकारी और मार्केट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, कहां पर आपको खरीदारी करनी है, कहां पर बिकवाली करनी है, इसकी जानकारी आपको देंगे। तो इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले आपको मंडी गोविंदगढ़ के बारे में बताते हैं। मंडी गोविंदगढ़ में एमएस सिंगट पर कल देखा गया 52,000 रुपये तक बाजार चला गया। 52,000 रुपये बाजार जाने के बाद बाजारों में रिकवरी आई और बाजार 52,700 रुपये, बाजार देखा जाए 52,700 रुपये पर बाजार बंद हुआ। इसमें हल्की सी 100 रुपये की नरमी देखी गई। जैसा कि पहले ही आपको बताया था, बाजार में अगर कहीं गिरावट आती है तो आप लोग गिरावट पर 52,000 रुपये के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हैं, वहाँ से आपको फिर दोबारा से बाउंस बैक दिखाई देके चल सकता है। और बाजार में आपको पहले ही बताया था न्यूज़ मार्केट 24 ने, 53,000 रुपये के लेवल के नीचे बाजार अगर जाएगा तो बाजारों में एक बार पैनिक बाजारों में सेलिंग देख के चल सकते हैं। इसी तरीके MS स्क्रैप का भाव 42,200 रुपये हो गया, इसका भाव भी 41,500 रुपये तक एक बार नीचे में देखा गया। MS सिंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 10,500 रुपये हो गया। कास्ट आयरन की भाव की बात कर लेते हैं, मंडी गोविंदगढ़ कास्ट आयरन में टोका का भाव 44,300 रुपये, इम्पोर्टेड का भाव 45,300 रुपये हो गया। HRC CRC कॉइल की स्थिति की बात करते हैं, HRC CRC कॉइल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं रहा, जबकि कास्ट आयरन के भाव में 200 रुपये प्रति टन की गिरावट दर्ज करेगी। लुधियाना HRC कॉइल का भाव 56,800 रुपये, CRC कॉइल का भाव 65,800 रुपये, गाजियाबाद HRC कॉइल का भाव 58,000 रुपये, CRC कॉइल का भाव 66,000 रुपये, कोलकाता HRC सीट का भाव 55,600 रुपये, CRC सीट का भाव 63,800 रुपये रहा। HRC CRC सीट के भाव से अच्छे हैं इस समय आप बाजारों में, HRC CRC सीट के भाव में लगातार गिरावट देखी जा रही है बाजारों में। यहाँ पर आप हल्की फुल्की आप जरूरत के हिसाब से आप HRC CRC सीट में खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि चाइना में भी अब धीरे धीरे बाजारों में आप देख रहे हैं कि बॉटम बनता हुआ दिख रहा है और रॉ मटेरियल के दाम भी बाजारों में स्थिरता बाजारों में देखी जा रही है। चलिए जान लेते हैं रायपुर HB वायर की क्या स्थिति रही। रायपुर HB वायर का भाव 57,300 रुपये रहा, इसमें भी ऊपरी स्तर से गिरावट दर्ज करी गई। GI वायर का भाव 62,200 रुपये, MS पाइप के भाव में 500 रुपये प्रति टन की गिरावट आई। गोविंदगढ़ पाइप का भाव 56,100 रुपये हो गया, रायपुर पाइप का भाव 53,600 रुपये बोला गया। चलिए जान लेते हैं कुछ मंडियों के TMT के भाव क्या रहे। सभी TMT के भाव में 500 से 700 रुपये प्रति टन की गिरावट दर्ज करी गई। मंडी गोविंदगढ़ TMT का भाव 57,800 रुपये हो गया, दुर्गापुर का भाव 48,500 रुपये, इंदौर का भाव 55,700 रुपये, रायपुर का भाव 52,500 रुपये, जयपुर का भाव 56,000 रुपये, मुजफ्फरनगर का भाव 54,700 रुपये, भावनगर का भाव 56,800 रुपये रहा, गाजियाबाद का भाव 57,300 रुपये, जलना का भाव 56,000 रुपये देखा गया। यह जो भी रेट बताए जा रहे हैं बेसिक रेट है, इसमें 18% GST लोडिंग अनलोडिंग फ्रेट का चार्जेस आपको अलग से देना पड़ेगा। हर सिटी का लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस अलग से और फ्रेट अलग से डिवाइड होता है, इसलिए कोई फिक्स चार्ज आपको नहीं बताया जा सकता। ये जो भी रेट है ये पर 1,000 kg के आपको रेट है, 1 किलो का रेट आपको निकालना है तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो 1 किलो के रेट भी आपके निकल के आ जाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं मंडी गोविंदगढ़ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या। मंडी गोविंदगढ़ में आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल MS सिंगट का 52,000 रुपये का, रेजिस्टेंस का लेवल 53,600 रुपये का देखा जा रहा है। इसी तरीके गोविंदगढ़ में MS स्क्रैप का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 41,300 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 43,000 रुपये का देखा जा रहा है। वरिष्ठ जानकारों के अनुसार आप लोहा बाजार में आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं, लंबी चौड़ी मंदी की संभावना, पैनिक नहीं है, बाजार एक रेंज बाउंड एक सीमित दायरे में ही बाजारों में कामकाज देखा जाएगा। इसी तरीके सरिया के भाव में भी आप गिरावट पर नियर अबाउट 57,000 रुपये के आसपास आता है तो वहाँ का आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।